हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। आज इस वीडियो में आरबी टेक्निकल का सेट 21 कवर करेंगे और इसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग होती है 36 नंबर से। तो देखिएगा, मैथ का क्वेश्चन है 36 नंबर। यदि क्यूब रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इसको घातांक रूप में लिखेंगे, ये मूल रूप में लिखा हुआ, तो इसको देखते हैं, ये 2 की पावर 5 लिखेंगे तो 32 होता है। 2 को जब आपस में 5 बार गुणा करेंगे तो घातांक रूप में लिखने पर देखिएगा 2 की पावर 5 तो रहेगा और ये 3 जो है तो इसमें गुणे 1/3 हो जाएगा। इस 3 को लिखेंगे गुणे 1/3, तो ये तो हो गया 2 की पावर में 5 गुणे 1/3 बराबर ये हो जाएगा 2 की पावर x। अब यहाँ पर देखेंगे 2 की पावर 5/3 वैल्यू हो जाएगी, 5 एक कम 5, 5/3 बराबर 2 की पावर x। आधार समान हो गए तो घातें भी बराबर होती हैं, तो मतलब x का मान हो जाएगा 5/3। तो यही हमें फाइंड आउट करना था। तो ये जो मूल रूप में लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट लगा है, सॉरी रूट लगा है, तो रूट से हमें घातांक रूप में लिखना है। तो पहले तो 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5, और 3 को हम जब इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो घातांक रूप में 1/3 हो जाता, तो 5 के साथ गुणा हो जाएगा यहाँ पर 5 गुणे 1/3, तो वही 5 एक कम 5/3 हो जाएगा। दोनों साइड आधार समान हो गए। नेक्स्ट देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, 110 सही 1/4 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिएगा सीधा सीधा 110 गुणे 4 करेंगे तो 440 हो जाएगा, और 1 में जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 441। तो ये मिश्र भिन्न से विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिए 4/4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो अंश का वर्गमूल अलग और हर का वर्गमूल अलग, दोनों का स्क्वायर रूट मतलब अलग अलग, तो इसका आएगा 21 और इसका वर्गमूल आएगा 2। तो 21 का हाफ लिखना है तो 10.5 भाग करेंगे तो 10.5 इसकी वैल्यू होगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि 3x + 10 इक्वल टू 5 स्क्वायर हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो समीकरण दिया हुआ है तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 3x बराबर 10 को 75 करेंगे, ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा -10, तो 3x बराबर वैल्यू बचेगी यहाँ 15, तो 3 एक कम 3, 3 5 15 कैंसिल आउट करेंगे तो x बराबर 5 आएगी वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, काट 60 डिग्री की वैल्यू इसमें पूछेगा 39 नंबर में। तो देखिएगा, ये टेन 60 का अपोजिट होता है, टेन 60 का वो रूट 3 होती है, तो इसकी हो जाएगा 1/√3, ये इसकी वैल्यू होगी काट 60 डिग्री की। नेक्स्ट है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार ने 40% वोट प्राप्त किए तथा 298 मतों से चुनाव हार गया, तो कुल वोटों की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखेंगे, पहले तो लिखेंगे, इसको सेटअप करेंगे, कुल मत होते हैं 100% हमेशा। अब हारने वाले का दिया है, सॉल्यूशन में लिखेंगे एक का दिया रहता है प्रश्न में, तो हारने वाले का दिया है 40%, तो जीतने वाले का घटा के 100 में लिख लेंगे, जीतने वाला पाएगा 60%, जीतने वाले के लिख लेंगे 60%, तो दोनों में डिफरेंस है 20% का, दोनों में डिफरेंस हारने और जीतने वाले प्रतिशत मतों में। और ये दिया है 20% बराबर 298, तो 1% का जब निकालेंगे तो 298 बटे हो जाएगा 20, तो हमें निकालना है 100% का, तो यहाँ हो जाएगा 100 × 298, क्योंकि कुल मत पूछा है और बटे 20, तो 20 एक कम 20, 20 5 100, 5 से गुणा कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो यहीं पर देखिएगा, 5 से गुणा करने पर 5 × 48 के 0 हासिल 4, 5 × 45 4 49 हासिल 4, 5 × 10 10 4 14, 1490 मत होंगे कुल, गुणा कर लेंगे 5 × 298, तो इस तरह फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिएगा 41 नंबर, एक शहर की जनसंख्या 64,000 है, 10% वार्षिक वृद्धि होने पर 3 वर्ष पश्चात उस शहर की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे, पहले 64,000 दिया हुआ है और 10% की वृद्धि हो रहा है, तो 110/100 और 3 वर्ष पश्चात पूछा है, इसलिए 3 बार यहाँ लिखेंगे 110/100 पुनः 110/100, और जो वैल्यू आएगी गुणा करने पर, पहले 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे 3 0 यहाँ से, और ये 3 0 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 64 × 11 का घन 1331 होता है, तो 64 × 1331 करेंगे तो वैल्यू आएगी 85184, इसको आप गुणा कर लीजिएगा, 3 वर्ष पश्चात जनसंख्या होगी 85184। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का, 6 आदमी 10 दिनों में रुपये 150 कमाते हैं, तो 8 आदमी 7 दिनों में कितना कमाएंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा लिखेंगे, देखिएगा 6 आदमी 10 दिन, तो यहाँ लिखेंगे 6 × 10/150 रुपये, आदमी दिन और घंटे को छोड़कर जो वैल्यू होती है तो नीचे जाती है बराबर। नेक्स्ट सेंटेंस में 8 आदमी 7 दिन में कितने रुपये कमाएंगे, तो x हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 5 15, 3 2 6, 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 4 8, तो 5 4 20 7 140 3 गुणा कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 140 रुपये।
ये इसका सोल्यूशन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द्विसरणी तंत्र में 13 को कैसे व्यक्त करेंगे। तो द्विसरणी का मतलब होता है द्विआधारी, यहाँ पर द्विआधारी पद्धति में बदलना है। और द्विआधारी पद्धति ये दार्शनिक पद्धति में दिया हुआ है 13, तो सॉल्व करने का देखिए तरीका क्या होता है कि 13 को तब तक 2 से विभाजित करेंगे, क्योंकि द्विआधारी में बदलना है तो 2 से भाग करना है। जब तक भाग जाएगा, मतलब यहाँ पर भाजक एक न हो, भागफल एक प्राप्त ना हो। तो यहाँ पर देखेंगे पहले 6 बार जाएगा, 2 छक्का 12, और जो रिमाइंडर होगा उसको दाहिनी ओर लिखते जाएंगे। फिर से 2 से भाग करेंगे, अभी इसमें भाग जाएगा 2 3 6, रिमाइंडर 0। अभी फिर से इसमें 2 से भाग जाएगा तो देखिएगा 1 बार जाएगा, 2 1 कम 2, और रिमाइंडर भी 1 बचेगा। इतना भाग करना, अभी इसमें भाग नहीं जाएगा। तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, ये 1 1 0 1 होगा। तो ये दार्शनिक पद्धति में 13 दार्शनिक पद्धति में था, जब इसको द्विआधारी में बदलेंगे तो 1 यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, 1 1 0 1, ये हो जाएगा इसी का द्विआधारी, दार्शनिक से द्विआधारी हो गया। नेक्स्ट देखिएगा इसी का, 80 मीटर लंबी रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होगी। तो सबसे पहले तो चाल बराबर फार्मूला लिख लेंगे, दूरी बटे समय, चाल का फार्मूला, और इसी में वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म को पार करती है तो उस टाइम पर दोनों की लंबाइयों का योग दूरी के बराबर होता है। तो यहाँ पर वैल्यू जब पुट करेंगे तो 80 + 120, ये तो दूरी हो गई मीटर में, और समय दिया है सेकंड में, तो बटे 20 सेकंड, तो ये हो गया मीटर प्रति सेकंड हो गया चाल। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये तो हो जाएगा 200 अब बटे 20। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, तो 18/5 का गुणा करेंगे। तो जब भी बड़े में कन्वर्ट करना हो तो बड़े का गुणा, मतलब ऊपर वाला मान बड़ा, और छोटे में कन्वर्ट करना है तो छोटे का गुणा। यहाँ से 0 0 कैंसिल, मतलब 2 दहम 20 20 दहम 200 ही लिख सकते हैं यहाँ। तो 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 दूनी 10 18 दूनी 36, यहाँ 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 24 42 का, महत्तम समापन तक। तो इसमें क्या करते हैं, SCF के लिए सबसे छोटी के गुणनखंड कर लेते हैं, 2 3 6 3 18। अब 2 को चेक करेंगे, क्या 2 से सब कट रही, तो कट रही, 2 का नियम पता होना चाहिए। अब 3 से चेक करेंगे, क्योंकि अलग अंक फंसा, तो 3 का नियम होता है कि अंकों का योग कट जाए, तो 8 1 9 कट जाएगा, 4 2 6 और 4 2 6, तो यहाँ पर 3 से तो कट जाएगा, लेकिन 9, अब फिर से 3 है, तो 3 3 9 चेक करेंगे, सिंगल 3 चेक कर लिए, अब पुनः फिर से 3 है, तो अब 9 को चेक करेंगे, क्या 9 से कट रहे हैं, तो 9 से केवल 18 कट रहा है, इसलिए बाकी नहीं कट रहे हैं, तो ये इस 3 को कैंसिल करेंगे, 2 3 6 होगा, तो इसका SCF हो जाएगा SCF 6। अब नेक्स्ट देखिएगा, एक परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए, यदि 60% विद्यार्थी फेल हुए हों तो परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या बताएं। तो यहाँ पर तो ध्यान रखिएगा कि कुल संख्या हमेशा होती है 100%। अब यहाँ पर दिया है कि फेल विद्यार्थी जो हैं, यहाँ पर यदि 60% विद्यार्थी फेल, तो फेल हुए 60%, यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्न से, तो पास हुए हैं, पास विद्यार्थियों का प्रतिशत 40 हो जाएगा, क्योंकि टोटल है 100%। अब यहाँ पर कह रहा है कि यदि परीक्षा में 400 विद्यार्थी पास हुए हों, तो ये 40% बराबर दे रखा है 400, तो यहाँ 0 0 कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 कम 4 4 दहम 40, तो 1% की वैल्यू 10 हो गई। तो कुल विद्यार्थी पूछ रहा 100%, तो 100 × 10 कर देंगे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1000, कुल विद्यार्थियों की संख्या 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का, x³ - 27 के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर सब समीकरण लगी है क्यूब वाली, तो यहाँ पर देखिएगा इसका सोल्यूशन, x³ इसको लिख सकते हैं 3³ 27 को, ये बराबर हो जाएगा x-3 फर्स्ट ब्रैकेट में, और सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा x² + 3x + 9। और सरसमिका कौन सी है, देखिएगा a³ - b³ बराबर होता है a-b फर्स्ट ब्रैकेट में, सेकंड में a² + ab + b² तो ये सरसमिका अप्लाई कर देंगे, तो ये गुणनखंड होंगे x-3 और ये सेकंड ब्रैकेट में। नेक्स्ट 48 नंबर, एक लंब रत्ती बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल का सूत्र। तो यहाँ संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है बेलन का, अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र होता है 2πr r + h, 2πr ब्रैकेट में r + h। नेक्स्ट देखिएगा, वह बिंदु जिस पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर तीनों माध्यिकाओं का कटान बिंदु केंद्रक कहलाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसका उत्तर होगा केंद्रक। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा 50 नंबर इस सेट का,
रुपए 100 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो जब कभी भी चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो पहले मिश्रधन हमेशा निकालते हैं अमाउंट, और अमाउंट निकालने के लिए सीधा सीधा निकालेंगे 100 गुणे और 2 वर्ष के लिए है 10% की दर से, तो 10% की दर से लगा रहा है तो 110/100 और इसको 2 बार गुणा करेंगे 110/100, तो यहाँ अमाउंट आ जाएगी। तो 100-100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0-0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 11 गुणे 11 करेंगे तो 121 रुपये हो जाएगा ये अमाउंट। अब इसका CI का फार्मूला होता है A-P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट हो गया 121 रुपये और प्रिंसिपल दिया हुआ है 100 रुपये, तो जब घटाएंगे आपस में तो रुपये 21 हो जाएगा, ये CI होगा। तो ये प्रैक्टिस सेट समाप्त हो गया, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा, और इस चैनल के प्लेलिस्ट से आप विजिट करके वहाँ से सभी सेट फाइंड कर सकते हैं। और आर्मी का रीजनिंग है, आर्मी का सॉल्व पेपर, आर्मी का GD, सभी का प्रैक्टिस सेट बना हुआ, सॉरी ये सभी प्रैक्टिस सेट का चैनल का प्लेलिस्ट आप विजिट करिए तो प्रैक्टिस सेट वहाँ से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही कवर करेंगे।